पर बात जाए मोटरोला या फिर मोटो के स्मार्टफोन्स की, तो इतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड नहीं करते हैं जितनी कुछ सालों पहले करा करते थे। लेकिन एक स्मार्टफोन आपका लॉन्च कराया था पिछले साल, यानी मोटो वन पावर, जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता था अपने ब्रांड के हिसाब से। तो मोटो वन सीरीज के अंदर आपका नेक्स्ट स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आने वाला है, तो आगे जब वीडियो के एंड तक देखते रहे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही रिक्वेस्ट एक है, छोटी सी लाइक जरूर कर देना से बिना भूले, और यहाँ पर आपको लाइक बनता भी है कि आपको सारी जनरल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर अपने मुद्दे पर निकल कर आ जाते हैं, बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू से। तो यहाँ पर आपकी पहली चीज़ ये है कि फ़ोन के अंदर आपको 21:9 का रेशो देखने को मिलता है, यानी फ़ोन आपको लंबा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं 6.3 इंच की डिस्प्ले है, IPS LCD पैनल है, और यहाँ पर आपको पंच होल देखने को मिल जाता है, आपको नया डिज़ाइन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर बात कर जाए गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, 2.5D का डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। बात कर जाए मोटाई की, तो 8.7 mm देखने को मिलती है, और वजन आपका 180 grams देखने को मिल जाता है, और बाकी आपका फिजिकल वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। बात कर लीजिए यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की, तो उसमें आपको बेहतरीन चीज़ देखने को मिलती है। अगर प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है 48 megapixel का f1.7 के अपर्चर के साथ, यहाँ पर आपको 0.8 micron साइज देखने को मिलता है। बात कर लीजिए सेकेंडरी कैमरा की, तो आपको 5 megapixel का देखने को मिलता है f2.2 के अपर्चर के साथ, जो आपका डेप्थ सेंसिंग का काम करेगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, यानी पंच होल के अंदर जो आपको कैमरा दिया गया है, वो आपको बता दो 25 megapixel का देखने को मिलता है f2.0 के अपर्चर के साथ। आपका पिक्सल साइज बेहतरीन देखने को मिलता है इन 1.8 microns का। इसके अलावा बात कर जाए अच्छी चीज़ों की, तो आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, और आपको फ्लैगशिप फोन्स की तरह यहाँ पर देखने को मिलती है OIS या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। बाकी आपको स्लो मोशन में देखने को मिल जाता है 120 fps का। बाकी फ़ोन के अंदर कुछ बेहतरीन चीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे SD कार्ड स्लॉट भी है, रिमूव नहीं करा गया है Realme X या फिर Redmi की केसरीज की तरह, 3.5 mm जैक दिया गया है, Dolby Atmos भी देखने को मिल जाता है, यानी साउंड क्वालिटी बेहतरीन देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आपका सेंसर वगैरह भी सारे देखने को मिलते हैं, चाहे जायरोस्कोप हो, चाहे आपका लाइट सेंसर वगैरह हो। इसके अलावा बात कर जाए बैटरी डिपार्टमेंट की, तो 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 15W की फास्ट चार्जिंग के साथ, टर्बो फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है मोटो की अपनी। यहाँ पर आपको USB-C टाइप देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात कर जाए प्रोसेसर की, तो उसमें शायद आपको थोड़ी सी कमी लग सकती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है Exynos 9609। आपको वैसे बता दूँ 10 nm बेस्ड प्रोसेसर है, 2.2 GHz की स्पीड देखने को मिलती है, और आपका कैमरा सेंट्रिक प्रोसेसर है, पर खैर आपका नॉर्मल काम भी अच्छे से यहाँ पर कर देता है, क्योंकि आपका लगभग 140,000 के आसपास स्कोर देखने को मिल जाता है N22 का। पर खैर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोटो वन पावर जब का लाया गया था स्नैपड्रैगन 636 के साथ, उसकी प्राइसिंग आपकी 16,000 rupees रखी गई थी। उस समय आपको बहुत सारी चीज़ें देता था फ़ोन के अंदर, फास्ट चार्जिंग वगैरह, कैमराज भी अच्छा ही थे। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है आपका मोटो वन विजन आपको देखने को मिल जाएगा 17-18 हज़ार की रेंज के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम। बाकी खैर देखते हैं बेस वेरिएंट आपका कितने कम में आपका लॉन्च करा जाता है। वैसे आपको बता दूं इंडिया के लिए आपका लॉन्च इवेंट आपका होने वाला है 20 जून को। इन्विटेशन भी सेंड कर दिए गए हैं, जहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि मोटो वन विजन लॉन्च करा जाएगा। वैसे कमेंट्स में आप बताना आप एक्साइटेड हो कि नहीं फ़ोन के फीचर्स के हिसाब से। साथ ही रिक्वेस्ट एक है, छोटी सी लाइक जरूर कर देना से मैंने बोला, आपका लाइक करने छोटे बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। इसके अलावा बाकी अपने चैनल पर जाकर देखो, लाइक बटन दबा दो, मिलता है स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।